स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए हुकूमत से और ख़ास तौर पर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहूँगा कि मूसी सफाई के प्रोजेक्ट का काम तेज़ी से चालू करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि मूसी सिर्फ नया पुल, पुराना पुल या इस एरिया का नाम नहीं है। मूसी शुरू होती है विखाराबाद के करीब से, तो क्या मूसी क्लीनिंग प्रोजेक्ट के अंदर पूरा वहाँ से काम हो रहा है या सिर्फ यहाँ से? क्योंकि वबाई अमराज की वजह से जो लोग परेशान हैं, मैं ख़ास तौर के ऊपर ये कहूँगा कि मूसी सफाई का प्रोजेक्ट तेज़ी से चालू किया जाए, इससे वहाँ के एरिया के अंदर, क्योंकि कारवान के अंदर, मूसी कारवान के अंदर लगती है, वहाँ पर भी सफाई का इंतज़ाम नहीं है बराबर। और मलकपेट कॉन्स्टेंसी के अंदर पूरी कॉन्स्टेंसी शुरू से लेकर आखिर तक मूसी है। मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इसकी बाउंड्री फिक्स की जाए, ताकि कोई लोग अगर उसके अंदर इंक्रोच कर ऑलरेडी हैं तो उनको रिहैबिलिट किस तरीके से करेंगे, उसका एक अच्छे तरीके से एक प्रोग्राम बनाकर वो मूसी को साफ किया जाए, ताकि उसकी जो गंदगी की वजह से अब मच्छर और दूसरे बीमारियों का खदशा है उसका दूर हो सकता है। हुकूमत की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि तमाम MLAs के साथ एक मीटिंग कर ये काम को स्पीड अप कर कराया जाए कि मूसी को हम ब्यूटिफिकेशन करें, सफाई करें, ताकि आसपास रहने के लोगों की सेहत के ऊपर जो मूसी की वजह से असर हो रहा है वो असर ख़त्म हो, क्योंकि तमाम फजला आकर मूसी के अंदर जा रहा है। मिनिस्टर साहब बखूबी वाकिफ़ हैं, मैं ये कहूँगा आप प्लांट्स लगाइए, STP प्लांट्स जगह जगह लगाकर मूसी को पूरा क्लीनिंग का काम जो भी है जितना स्पीड अप होते कराइए, आज वक्त की ज़रूरत है ये। मैं बड़ी हर दर्दमंदाना आपसे अपील कर रहा हूँ कि आज मूसी की तरफ से पूरा ये एरिया तबाह हो रहा है, इसकी क्लीनिंग करिए, इसकी बाउंड्री फिक्स करिए, और इंक्रोचमेंट्स जो है वो इंक्रोचमेंट्स के अंदर जो लोग गरीब लोग जो रह रहे हैं उनको मुतबादिल जगह फरहाम कीजिए, कर उसका काम थोड़ा स्पीड अप कराइए, आपकी मेहरबानी होगी। मिनिस्टर स्पीकर सर, जनाब अहमद बलाला साहब ने जो मुद्दा उठाया म्यूसी ब्यूटिफिकेशन और क्लीनिंग की, इस पर हुकूमत ऑलरेडी गौर कर रही है, ज़रूर नोट किया जाएगा और जल्द से जल्द काम शुरू करेगी।